हेलो गाइस, माई सेल्फ डेजी मैम फ्रॉम स्टडी एस अटाबर। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट इंटरोगेटिव शॉर्ट कन्वर्सेशन पार्ट 19, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। जिस सेंटेंसेस बताने से पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको हमारे आगे क्लासेस मिलती रहें। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है आई कैन नेवर फॉरगेट इट कैन आई। तो देख लीजिए, अगर कॉमा के इस साइड वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो कॉमा का इस साइड वाला सेंटेंस का जो भाव निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा सेंटेंस इट इज़ वेरी हॉट टुडे, अगर ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हमारा इस साइड वाला कॉमा के इस तरफ वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव का भाव देगा। तो फर्स्ट हमने लिखा है आई कैन नेवर फॉरगेट इट कैन आई, मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना। चूँकि हमारा कैन आई जो है वो है ना का है ना प्रकट कर रहा है, तो आई कैन नेवर फॉरगेट इट कैन आई, मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना। देख लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैजंट लर्न्ड हिंदी, हैज शी, उसने हिंदी याद नहीं की है ना। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, या कह लीजिए आज बड़ी गर्मी है ना, इजंट इट, है ना। नेक्स्ट है यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस शुड यू, तुम्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना। शुड यू हमारा है ना शो कर रहा है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट पर्सन डोंट वेस्ट देयर टाइम डू दे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपना समय बर्बाद नहीं करते, है ना। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, या आज बड़ी ठंड है, इज नॉट इट, आज बड़ी ठंड है ना, इज नॉट इट, ये हमारा है ना शो कर रहा है। नेक्स्ट है We will be ready soon. Won't we? हम जल्द ही तैयार हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है You have finished your work, haven't you? तुमने अपना काम पूरा कर लिया है ना। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, I can never forget it, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, और ये हमारा जो कैन आई है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसी ये हमारा नेगेटिव होगा और ये इंटरोगेटिव, तो इन दोनों को I can never forget, can I का मतलब हुआ जाके मैं, इसका मतलब I can never forget का मतलब हुआ कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, can I का मीन्स हुआ कि मैं यह नहीं भूल सकता, कैन आई का मीन्स हुआ क्या मैं यह भूल सकता, इसका मतलब हुआ नेवर और कैन आई, तो मैं यह कभी नहीं भूल सकता। तो आई होप आपको शॉर्ट कन्वर्सेशन पार्ट 19 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।